साल पहले की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक मोटी ताजी बिल्ली, पतला दुबला खरगोश और एक तीतर भी रहता था। एक पेड़ के नीचे तीतर घर बनाकर रहता था। वो रोज आसपास से दाना इकट्ठा करके खा लेता था। लेकिन एक दिन ये हुआ कि उसको खाने को कुछ नहीं मिल पाया, तो उसने सोचा क्यों ना जरा आगे बढ़कर देखा जाए। इसलिए वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और बहुत आगे पहुंच गया। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा गेहूं का खेत था। वो वहाँ पहुंचकर बहुत खुश हुआ, वहाँ बहुत सारा दाना था। उसने पेट भर कर खाना खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसको नींद आने लगी और वो वहीं पर सो गया। दूसरे दिन उसने सोचा क्यों ना आज फिर पेट भर कर खाया जाए और फिर अपने घर चला जाए। ये सोचकर वो फिर खेत में दाना चुगने चला गया। चुगते चुगते शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, तो उसने सोचा कि चलो घर की तरफ चलते हैं। उसको अपने घर की याद आने लगी और वो घर की तरफ चल दिया। इसी बीच एक खरगोश ने पेड़ के नीचे घर खाली देखा, तो वो वहाँ रहने लगा। वो बहुत खुश था कि चलो बना बनाया घर पाकर मेरे तो नसीब ही खुल गए, और ये सोचकर वो हंसने लगा। लेकिन जब मोटा तीतर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के अंदर खरगोश मजे से बैठा है। तीतर ने खरगोश से पूछा, तुम कौन हो बे और मेरे घर के अंदर क्यों बैठे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम? उसने गुस्से में खरगोश से कहा, तुमने मेरे घर पर कब्जा कैसे जमा लिया? निकलो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा घर ये मेरा घर है, मैंने इसे ढूंढा है, और अब ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तीतर चुप नहीं हुआ और खरगोश पर चिल्लाता रहा और जल्द ही इनमें लड़ाई छिड़ गई। खरगोश बोला, कर ले तुझे जो करना है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर तीतर डर गया। वो मदद के लिए जंगल के दूसरे जानवरों के पास भागा, लेकिन कोई भी बढ़कर मदद के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ दिखावे का अफसोस जरूर किया। घंटों लड़ाई के बाद खरगोश और तीतर ने यह तय किया कि वो भली बिल्ली की सलाह लेंगे, जिसकी बात सारे जानवर मानते हैं। तीतर और खरगोश बिल्ली के पास गए, जो कि जंगल की सरपंच थी। दोनों को बिल्ली से डर भी लग रहा था कि कहीं ये हमको मार कर खा ना जाए। तब बिल्ली ने कहा कि क्या सोच रहे हो बच्चों, आओ मेरे पास आओ और अपनी परेशानी मुझे बताओ। डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तो खुद कोरोना की वजह से इतनी कमज़ोर और लागर हो चुकी हूँ कि मेरा चलना फिरना भी मुश्किल है। ऊपर से आँखों के काले, पीले और सफ़ेद इन्फेक्शन ने मुझे लगभग अंधा कर दिया है। बस मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो आज मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। तुम सब की दुआ से मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है। जब से मैंने ये सोचा है कि अपना बाकी जीवन भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में गुजारूंगी। सब जानवरों की मदद करके उनको हर मामले में इंसाफ दिलाऊंगी। बिल्ली बोली, थोड़ा और नज़दीक आओ और अपनी परेशानी खुलकर बताओ, ताकि मैं तुमको कोई अच्छी सलाह दे पाऊँ। वो दोनों बिल्ली के थोड़ा और नज़दीक आ गए और अपनी परेशानी बयान करी। तब वो दोनों बिल्ली के पास गए और लड़ाई की वजह पेश की।
बिल्ली ने ऐसे ड्रामा किया जैसे कि उसने सुना ही नहीं। उसने कहा कि बेटा, तुम दोनों ने क्या कहा, मुझको कुछ सुनाई नहीं दिया। बूढ़ी और कमज़ोर होने की वजह से सुनाई भी कम देता है, ज़रा मेरे नज़दीक आकर बताओ। तब बिल्ली बोली, अरे बच्चों, तुम दोनों को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे को समझते हुए अपनी लड़ाई खुद सुलझानी चाहिए। ये कहकर वो म्याऊ करके उन पर झपट पड़ी और उन्हें खा गई। इस तरह से तीतर और खरगोश ने अपनी जान गंवाई, क्योंकि उन्होंने अपनी दुश्मन बिल्ली से सलाह लेने का गलत फैसला लिया था। इससे ये साफ पता चलता है कि ठंडे दिलो दिमाग से काम ना लेने पर आपका सदा नुकसान ही होता है, ना कि फायदा। उन दोनों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा हो गया और उसे बैठे बैठाए तीतर और खरगोश का ताज़ा और मज़ेदार गोश्त खाने को मिल गया। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दो।